प्रोफेशनल लोगों के सामाजिक संगठन रोटरी इंटरनेशनल ने आज डीजी इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां रोटरियन डॉक्टर अनिल परमार ने आज रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के नए गवर्नर के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। डॉक्टर परमार पनवेल क्षेत्र के चौथे रोटरियन हैं जिन्हें गवर्नर बनने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए भरोसा दिलाया कि वे समाज की जरूरतों को पूरा करने और लोगों को सेवाएं देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। पनवेल के वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम में आज रोटरी इंटरनेशनल का डीजी इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल परमार ने रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के नए गवर्नर के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में रोटरियन प्रदीप दावकर, डॉक्टर भारत पंड्या, डॉक्टर महेश कोटवागी और डॉक्टर गिरीश पुणे समेत रोटरी क्लब के तमाम डायरेक्टर और सभासद भी मौजूद थे। यहाँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट की पत्रिका रूबरू और डायरेक्टरी का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल परमार ने अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पनवेल, रायगढ़ और पुणे तक फैले 142 क्लबों और 6000 रोटरी सदस्यों के सहयोग से वे समाज की जरूरतों को पूरा करने और जनसेवी उपक्रमों के जरिए लोगों को सेवाएं देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। उन्होंने रोटरियन से भी अपनी और समाज की सेहत का ख्याल रखने का आह्वान किया। आज रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23 के लिए मेरा पदग्रहण समारंभ हुआ है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 ये पनवेल, रायगढ़, पूना ये सब कवर करती है। 142 क्लब है, 6000 से ज़्यादा मेंबर्स है। पनवेल से मैं चौथा गवर्नर हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि रोटरी इतना अच्छा काम करती है और मेरे पे ये जवाबदारी और विश्वास रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के मेंबर्स ने किया है। और आज का जो समारंभ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग और अच्छा काम करेंगे। गए साल भी अच्छा काम हुआ है, वर्षों से रोटरी अच्छी काम करते आई है और मुझे ये संधि मिली है और जवाबदारी भी है, लेकिन सबके सहयोग से बहुत अच्छा काम करेंगे और समाज की जो भी ज़रूरतें हैं जितना भी हम पूरा कर सकते हैं हमारे फंडिंग के हिसाब से वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। रोटरी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कटिबद्ध है और मेरी क्लब ब्लड बैंक और रोटरी मेगा मेडिकल सेंटर कई साल से चलाती है और हम ये साल 1 जुलाई को हमने और एक रोटरी हॉस्पिटल तलेगांव में करने का हमारे क्लब ने निर्णय लिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और समाज की जो भी कठिनाइयाँ है उसमें हम कितना मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम रोटेरियंस ने अपनी तबीयत का और समाज की तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबके लिए एंजॉय रोटरी, डिलीवर हैप्पीनेस एंड स्प्रेड स्माइल्स, ये मेरा मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।